हाय गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन 13 पे हम इस नए अपडेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। iOS 17.2 का ये नया लेटेस्ट अपडेट बीटा 2 के नए वर्जन में एप्पल ने रिलीज़ किया है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आईफोन 13 पे इस नए अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। सबसे पहले गाइज आपको सफारी ब्राउज़र को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है appleprogram.com। वो करेगा बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की। आपको यहाँ पर सिंगल टैप करना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी दो ऑप्शंस हैं, साइन अप और साइन इन। आपको यहाँ पर साइन इन के ऊपर टैप करना है अगर आप इसके ऊपर ऑलरेडी मेंबर हो। अगर आप इसके ऊपर ऑलरेडी मेंबर नहीं हो तो साइन अप के ऊपर टैप करो। मैंने इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन के ऊपर टैप किया। और यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो आपकी फेस आईडी को यूज़ करेगा। आपको इसे कंटिन्यू बटन पर टैप करना है, और जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर टैप करोगे आपकी फेस आईडी यहाँ पर यूज़ होगी। यूज़ होने के बाद आप ऑटोमेटिकली जो है कि आपकी जो ये वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर एनरोल योर डिवाइस के ऊपर टैप कर देना है। जैसे यहाँ पर टैप करोगे आपको यहाँ पर ओपन बीटा अपडेट्स के ऊपर टैप करना है, तो यहाँ पर आपको पब्लिक बीटा के ऊपर सेलेक्ट करना है। जैसे ही पब्लिक बीटा के ऊपर सेलेक्ट करोगे अब आपको यहाँ पर सिंपली बैक जाना है। जैसे बैक जाओगे आपको यहाँ पर ये अपडेट शो होना शुरू हो जाएगा, iOS 17.2 का बीटा 2 का लेटेस्ट अपडेट। इस तरह से आप आईफोन 13 के ऊपर भी इस लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।